आज हम जा रहे हैं कोटड़ा गांव के अंदर, वहां पर इच्छा पूरन बालाजी का मंदिर है। तो आज चलते हैं और कराते हैं उस मंदिर के दर्शन, और क्या है वहां का इतिहास वो पूरा वहां के पंडित जी से जानते हैं। आज हम आए कोटड़ा गांव के अंदर, ये देख सकते हैं इच्छापूरन बालाजी का ये मंदिर है। तो आज चलेंगे इस मंदिर के अंदर और कराएंगे दर्शन, और क्या यहां का इतिहास है वो भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए, अब चलते हैं और कराते हैं बालाजी के दर्शन। हम पहुंचे हैं कोटड़ा गांव और इच्छापूरन बालाजी के मंदिर के अंदर, और ये यहां के पुजारी जी हैं, तो इनसे पूछते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम मूलचंद शर्मा। और इस मंदिर का इतिहास बताइए, कितना पुराना ये मंदिर? विक्रम 2008 तैयार हो गया। और आप कब से पूजा कर रहे हो? मैं शुरू से ही निर्माण कार्य भी मैंने करवाया जी, इसका निर्माण कार्य भी 8-7 महीने चला जी। और ये सीकर के पास हर्ष है ना जी, हर्ष के कारीगर थे, उनको 3,31,000 में ठेके पर दिया था, मैटेरियल हमारा था जी। तो मैटेरियल भी मैं ला करके देता था। और इससे पहले जो फाउंडेशन का काम हुआ था ना, वो एक मंडोली का था, फाउंडेशन मतलब पत्थर का ऊंची खुशी, देखो सड़क से 7 फुट ऊंची है इसकी खुशी, 7 फुट है सड़क से। और ये मंदिर बनवाया किसने? ये किशोर कुमार पुरोहित है जी, श्री हरिहर सिंह पुरोहित जी। माता पिता इनका भी है? ये माता पिता किशोर जी के माता पिता, ये किशोर जी के माता पिता आप देख सकते हो, जूम करके दिखाता हूँ। हरिहर जी नाम है और माता जी का नाम राम है। यहाँ पर अगर कोई आना चाहे तो कैसे आएंगे? यहाँ तो नीम बछड़ा से टेम्पो भी चलते हैं, बस भी जाती है जी, और 6 किलोमीटर ही है जी। अब तो डबल रोड भी बन गया। और तहसील और जिला कौन सा है इस गांव का? जिला तो अब नीम का थाना बन गया, पहले तहसील था, अब जिला भी बन गया जी। और आप ही हमारे भी आ गए जी, धन्यवाद। तो गाइस आज हम आए हैं कोटड़ा गांव के अंदर, इच्छापूरन बालाजी का मंदिर है और ये आप देख सकते हो। तो आज चलते हैं इस मंदिर के अंदर और कराते हैं दर्शन। ये जो मंदिर है ये यहां पर पुरोहित भवन आप देख सकते हो, बम्बई में रहते हैं, इन्होंने ये मंदिर बनवाया था, इनकी यहां पे ये हवेली है और पास में ये मंदिर है। तो चलते हैं और कराते हैं बालाजी के दर्शन। यहाँ से इस मंदिर का जो है गेट जाता है, और ये यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है, और इधर ही है ये मंदिर। तो देख लीजिए ऐसा कुछ ये मंदिर बनाया गया है। तो चलते हैं और आपको कराते हैं दर्शन, और यहाँ से वो हवेली भी मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। पुरोहितों ने जो ये मंदिर बनवाया था ये देख लीजिए, ये है वो हवेली। यहाँ पर देखिए मंदिर की पूरी जानकारी दे रखी है, किसने बनाया, कब ये मंदिर बनाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और आसपास की लोकेशन कुछ ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर पुरानी पुरानी हवेलियाँ हैं, ये देख लीजिए, ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था, तो देख लीजिए। तो अब चलते हैं अंदर और कराते हैं बालाजी के दर्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बालाजी के दर्शन करा देते हैं। तो ये है बालाजी, आप दर्शन कर सकते हो इनकी, ये है बालाजी, और ये है मनसी माता जी, इनके भी आप दर्शन कर सकते हो, ये देख लीजिए ऊपर इनका नाम लिखा हुआ है। और इधर है जीन माता जी, तो ये आप जीन माता जी के दर्शन कर सकते हो। और ये है राम दरबार, जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर होता है, राम दरबार जरूर होता है, ये देख लीजिए। और ये है यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी के आप दर्शन कर सकते हो। अब यहाँ से जो है परिक्रमा देने के लिए है वो दिखाते हैं आपको, साईं बाबा के दर्शन कर सकते हो आप। और ये जिन्होंने मंदिर बनाए थे उनके माता जी पिताजी हैं, ये आप देख सकते हो। और ये इनके भाई है, इनके भाई हैं इनके। और यहाँ पर आपको खाटू श्याम जी के दर्शन हो जाएंगे। तो ये है खाटू श्याम जी, आप देख सकते हो, ये देख लीजिए। और इधर से आगे परिक्रमा देते हैं, ऊपर से देखिए कुछ ऐसा है ये मंदिर। तो गाइस जी यहाँ पर तिरुपति बालाजी का मंदिर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हो, और ये आप तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हो, ऐसा कुछ ये मंदिर है देख लीजिए। और यहाँ से आगे जाने के बाद परिक्रमा हो जाती है पूरी, और यहाँ पर आपको शिव परिवार के दर्शन हो जाएंगे, यहाँ पर आपको शिव जी के दर्शन हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको पार्वती माता जी के दर्शन हो जाएंगे, और ये कार्तिक जी हैं, और ये गणेश जी हैं, और ये नंदी जी हैं। तो देख लीजिए ऐसा पूरा ये शिव परिवार है। तो अब यहाँ से चलते हैं ऊपर और यहाँ की गुम्मत भी आपको दिखाते हैं। देखिए सीढ़ियाँ आप देख सकते हो, बारिश की वजह से कितनी यहाँ पर जो है आपको लग रही होगी पुरानी, ये देख लीजिए दीवार वगैरह।
तो चलते हैं ऊपर। तो ये है गुम्बद, आप देख सकते हो यहाँ पर कबूतर बैठे हैं, यहाँ पर आपको कृष्ण जी के दर्शन हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो इधर से कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी के कंधों पे बैठे हैं। और सामने ये हवेली है, ये इसके छत्रे हैं देख लीजिए। और ये आपको सरस्वती माता जी के दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ से गुम्बद के ऊपर आप चढ़ना चाहते हो तो चढ़ सकते हो। और इस साइड में आपको शिव शंकर भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। और आसपास की लोकेशन कुछ इस प्रकार की है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ऐसी कुछ लोकेशन है इस मंदिर के आसपास की। तो भाई आज हमने आपको दिखाया कोटड़ा गांव का इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर। और आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे भगवानों की जो तस्वीर लगाई, जैसे पीछे ये मूर्ति लगाई हुई है खाटू श्याम जी की, तो काफी फेमस मंदिर है और काफी अच्छा मंदिर है। तो यहाँ पर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, और यहाँ का काफी फेमस मंदिर है। बाकी वीडियो आप जाके मेरा देख सकते हो, काफी ऐतिहासिक मंदिरों के आपको वीडियो जो है मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।